मुंबई की एक इंग्लिश डेली की माने तो अलेजेड कपल आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी वर स्पॉटेड बोर्डिंग अ फ्लाइट टू स्विट्जरलैंड टुगेदर इन द वी आवर्स ऑफ सैटरडे मॉर्निंग। ये दोनों मोस्ट लाइकली आदि की मम्मी पैमेला चोपड़ा का बर्थडे मनाने स्विट्जरलैंड गए हैं। वे उदय चोपड़ा विल मोस्ट लाइकली बी विद अलेजेड गर्लफ्रेंड नरगिस फाखरी। रणबीर कपूर और अलेजेड गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ की कई पर्सनल पिक्चर्स पिछले कुछ दिनों से काफी पब्लिसाइज की जा रही हैं और सुनने में आया है कि इस बात से रणबीर के पेरेंट्स ऋषि और नीतू कपूर काफी अपसेट हैं। दे अपेरेंटली फील दैट दिस काइंड ऑफ एक्सपोजर माइट हैम्पर देयर सन्स प्रोफेशनल लाइफ। Unlike all other actors, Ranbir's alleged beau, Katrina Kaif doesn't own her own place in Mumbai aur unki sari property London mein hai. Katrina abhi tak Mumbai ke Bandra area mein ek rented apartment mein rehti hai aur khabron ki mane to Katrina's superstitious and indecisive nature has always come in the way of her buying property in Mumbai. शाहिद कपूर जो कि पिछले कुछ सालों से उनकी फिल्म चॉइस को लेकर काफी सिलेक्टिव रहे हैं, हैज मेड मोर न्यूज फॉर द फिल्म्स दैट ही हैज नॉट डन देन द वंस दैट ही हैज डन। शाहिद अभी कहते हैं, देयर इज नो स्ट्रेटजी एज सच बट आई हैव नाउ डिसाइडेड आई विल डू 3 फिल्म्स अ ईयर। डूइंग फ्यूअर फिल्म्स वाज अ बैड आईडिया बिकॉज इट्स बोरिंग टू सिट एट होम। Anil Kapoor, who can give the youngsters a run for their money as far as looks are concerned, apparently has been following a strict diet regime for several years now. Aur iske saath saath, har roz ek doctor unhe visit karte hain to check on his health. Anil's friends and other close people give credit to water therapy for being the secret behind his good looks. एक इंग्लिश डेली की माने तो फरहा खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में शाहरुख खान का रोल काफी हद तक हॉलीवुड फिल्म ओशंस 11 के कैरेक्टर डैनी ओशन से इंस्पायर्ड है, जिस रोल को जॉर्ज क्लूनी ने प्ले किया था। अपेरेंटली शाहरुख विल बी स्पॉटिंग अ मैच्योर लुक फॉर दिस फिल्म। वेटरन एक्टर अल पचिनो ने रिसेंटली अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा का प्रोमो देखा और वो अक्षय के लुक से काफी इम्प्रेस हुए, एज इट रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज गॉडफादर डेज। जब अक्षय को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपनी खुशी ये कहकर जाहिर की, आई हैड गूस बम्स थिंकिंग अबाउट हिम वॉचिंग द प्रोमो। आई वॉज सो हम्बल्ड नॉट ओनली एज एन एक्टर बट ऑल्सो एज अ फैन ऑफ हिज वर्क। आई प्रे ही एंजॉयज द मूवी एज मच एज ही एंजॉयज द प्रोमो। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल 5 अगस्त को अपना 39th बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी और इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए उनके हस्बैंड अजय देवगन और बहन तनीषा ने बांद्रा के एक पॉपुलर रेस्टोरेंट को बुक कर लिया है और इस पार्टी में सिर्फ इनके क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ही शामिल होंगे। सलमान खान की फिल्म वीर के प्रोड्यूसर विजय गलानी सलमान को 15 करोड़ रुपीस ओ करते हैं, जिसे ना देने की वजह से सलमान ने गलानी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल की, मगर रिसेंटली सलमान के फादर सलीम खान ने इस अमाउंट को वेव ऑफ करने का फैसला किया क्योंकि गलानी ने उन्हें आकर बताया दैट ही वाज एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ मनी। तनीषा को हम बहुत जल्द एक प्ले करते हुए देखने वाले हैं और अपने इस पहले शो को लेकर तनीषा है काफी नर्वस। वो कहती हैं, आई बिलीव इन फेसिंग माई फियर्स हेड ऑन, आई डोंट लाइक द फीलिंग दैट आई कांट डू समथिंग, हेंस आई डिसाइडेड टू टेक अप थिएटर। की माने तो बिपाशा बासु हु जस्ट गॉट बैक फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग शूट स्केड्यूल ऑफ अ अपकमिंग फिल्म क्रीचर इन ऊटी वाज सीन लीविंग फॉर गोवा फॉर द वीकेंड विद हरमन बवेजा। बिप्स हु हैज बीन लिंक्ड विद हरमन फॉर अ फ्यू मंथ्स नाउ हैज कांस्टेंटली बीन इन टच विद हिम व्हाइल इन ऊटी और पिछले कुछ महीनों में इन दोनों को कई बार पार्टीज और ट्रिप्स पर एक साथ देखा गया है। की एक इंग्लिश डेली की माने तो अनुराग बासु ने हाल ही में एक प्रोडक्शन हाउस के साथ 2 फिल्म डील साइन कर ली है फॉर विच इज अर्निंग अ वॉपिंग रुपीज 7 करोड़ पर फिल्म। सिर्फ यही नहीं, अनुराग विल आल्सो अपेरेंटली बी इक्वल पार्टनर इन द फिल्म्स। कुरेशी ने कल उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया व्हेन शी टर्न 27 और इस मौके पर शी हैड अ क्वाइट डिनर विद क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऐसा सुनने में आया है कि ईद के बाद हुमा विल बी थ्रोइंग अ लैविश बर्थडे पार्टी।
शाहिद कपूर और इलियाना डी क्रूज की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो के सॉन्ग को रिसेंटली लॉन्च किया गया और इस इवेंट में नजर आई फिल्म की पूरी टीम जिन्होंने मीडिया से इंटरेक्ट किया और इस फिल्म के बारे में काफी बातें की। मेरा कैरेक्टर जो है विश्वास राव वो उस जिंदगी फिल्मों से ही बनी हुई है, वो लाइफ उसको ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ भी एक फिल्म ही है। ही इज एन एस्पायरिंग एक्टर, उसकी माँ चाहती है कि वो एक बहुत ही ऑनेस्ट कॉप बने बट वो चाहता है कि वो हीरो बने। मैडनेस एज यू कैन सी इन द सॉन्ग एंड द ट्रेलर एंड वर्किंग विद राज जी एस्पेशली इज समथिंग एल्स बिकॉज हिज कॉमिक टाइमिंग इज सो अनबिलीवेबली प्रिसाइज एंड ब्रिलियंट दैट यू हैव टू कॉपी इट एग्जैक्टली द वे ही डज इट व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट। इट्स बीन फन, इट्स बीन अ होल लॉट ऑफ फन। करीना कपूर ने हाल ही में उनकी फ्रेंड और न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर की फिटनेस डीवीडी को लॉन्च किया। इस इवेंट को कवर करने आए मीडिया से करीना ने काफी देर तक इंटरेक्ट किया और इस डीवीडी की सक्सेस के लिए दिए अपने बेस्ट विशेस। आई हैव सीन अ जर्नी ऑफ आई थिंक अ यंग लवली गर्ल दैट इज रुजुता हु स्टार्टेड फ्रॉम राइटिंग माय डायट्स इन माय वैनिटी वैन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। टुडे आई सी हर कमिंग आउट विद अ डीवीडी। It's the biggest achievement. All I've done is just support her belief. मशहूर फुटवेयर ब्रांड के लार्जेस्ट स्टोर को लॉन्च करती स्पॉट की गई एक्ट्रेस आलिया भट्ट, जिसके साथ साथ आलिया ने इसके अपकमिंग ऑटम विंटर कलेक्शन को भी अनवील किया। देखते हैं इस इवेंट की एक झलक। रमेश सिप्री की वाइफ किरण जुनेजा ने इंडियन आर्ट और आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए एक न्यू कैंपेन शुरू किया और किरण के इस कैंपेन को सपोर्ट करने आए बॉलीवुड के कई सेलेब्स। इवेंट गैलरी ने अपने सक्सेसफुल वन ईयर कम्प्लीशन की खुशी में थ्रो की एक ग्रैंड पार्टी जिसमें शामिल हुए बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर और कई सेलेब्स। टेक अ लुक।